माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और होप यू आर गुड। और हम डिफरेंशिएशन जो कि क्लास 11th में है और क्लास 12th में भी है, उसका सबसे बेसिक पोर्शन जो है विच बिलोंग्स टू क्लास 11, वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, व्हाट इज कोशेंट रूल, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और चेन रूल और उससे आगे की चीज़ें, वो क्लास 12 में हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, जैसे कि आपके पास है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विल बी डी डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, जिसको हम पढ़ेंगे डी डी एक्स of y is equal to d dx of f of x, basically ये है differentiation। तो d dx of y is equal to d dx of f of x, d dx means क्या चीज है, तो d dx is dy dx differentiation of y ऑफ समथिंग। अगर ये y लिखा है तो यहां पे हो जाएगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कहेंगे डी डी एक्स ऑफ y, या फिर कहेंगे डी वाई बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है क्या चीज है, वैसे बेसिकली इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, wrt मीन्स विद रिस्पेक्ट टू y में जो चेंज है x के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, तो उसको लिखते हैं dy by dx। इसका जो बेसिक है जिसमें डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूले डिराइव हुए हैं वो कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए जो इससे पहले का होगा। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूलाज हैं उनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि हमको डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यानी एक्स टू द पावर एन में एक्स के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो मालूम है, ऐसा सोच के ये फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे और इनके जो डेरिवेशंस है वो डेरिवेशंस आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में मिलेंगे। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ या डी बाई डी एक्स ऑफ जो कहेंगे आप कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी ऑफ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, जो सी से चालू होते हैं, देखिए ये एक सी से चालू होता है इसलिए इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, दूसरा सी से ये चालू होता है कॉट एक्स, इसका भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, और कोसेक एक्स इसका भी डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। तो ये डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनमें ये फॉर्मूला है, और कुछ और भी है इसके अलावा, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स
डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होगा ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यानी ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, या फिर कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं ए टू द पावर एक्स एलेन एक्स, एलेन एक्स इज सेम एज एलेन एक्स किसके जैसा है, एलेन एक्स इज सेम एज लॉग एक्स लॉग सॉरी ए आएगा यहाँ ए टू द पावर एक्स लॉग एलेन ए या लॉग ए बेस ई दोनों सेम है, एलेन में बेस ई छुपा होता है तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, ये नेचुरल लॉग है और इसमें ई लिखना पड़ता है, पर अभी अगर आप नहीं भी लिखेंगे केवल लॉग ए लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है चलेगा। आप दूसरा देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जब बेस ई है तो वन बाय एक्स होगा। दूसरा देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर बेस ई नहीं है, बेस ई को छोड़ के कुछ दूसरा ही है, मान लीजिए बेस ए है तब क्या होगा, तब इसका होगा वन अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई या फिर लॉग ई बेस ए अपॉन एक्स। अभी तो आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखें, फिर कभी आप कहेंगे तो मैं लॉग चैप्टर के लिए भी वीडियो बनाऊंगा और लॉग का वीडियो बनाऊंगा तब आपको लॉग के और कंसेप्ट क्लियर होंगे, अभी यहाँ लॉग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिया है लॉग एक्स तो आप डिफ्रेंशिएट करके वन बाई एक्स लिख दे, दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, पर कोई कॉन्स्टेंट ऐसा है जो एफ एक्स से मल्टीप्लाइड है तो फिर वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स किसका बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का बन जाएगा। अब इन पे बेस्ड बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, एक और लिख देता हूँ फिर क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। डी डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा। अब कुछ क्वेश्चंस से इसको समझ लेते। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, सभी में आपको पहले लिख दें क्या निकालना है आपको, तो आपको निकालना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सभी में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और पहला क्वेश्चन है आपका वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर सेवन, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका डी वाई डी एक्स ये सॉल्व करना चालू कर दिया, इधर भी डी डी एक्स लगा दो, इधर भी डी डी एक्स लगा दो। अब इधर देखिए आप क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर सेवन का, तो फिर आप इससे कोरिलेट करें, एक्स टू द पावर वन टू थ्री फोर फाइव सब इसी से निकलेंगे, तो एक्स टू द पावर सेवन का इससे निकलेगा सेवन एक्स टू द पावर सेवन माइनस वन, दैट इज सेवन एक्स टू द पावर सिक्स। अब दूसरा देखिए y इज इक्वल टू अगर आपके पास रूट एक्स होगा तो दोनों साइड आप d बाई डी एक्स लगा दो, इधर भी लगा दो इधर भी लगा दो, रूट एक्स को लिख दो x की पावर वन बाई टू, फिर वही फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, वन अपॉइंट टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। अब ये एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू वन बाय टू नीचे आ जाएगा एक्स टू द पावर वन बाय टू, इसको आप लिख सकेंगे वन बाय टू रूट एक्स, और ये इतना फ्रीक्वेंट है कौन सा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कि इसको आप एज अ फार्मूला भी ध्यान रख सकते हो, तो मैं आपके यहाँ फार्मूला कैटेगरी में एक फार्मूला और अभी बढ़ा रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैंगे कि जब रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स है तो वन बाय रूट एक्स का टू रूट एक्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आइए अपन उसको भी समझ लेते हैं। तो एक डायमेंशन आपके दिमाग की ओर खुल जाएगी कि अगर वन बाय रूट एक्स है तो डी डी एक्स करेंगे हम इसका
तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1/(x^2). अब ये ऊपर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ (x^-1/2). तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/(x^-1/2-1), तो ये हो जाएगा -1/(x^-3/2). और नीचे ले जाएंगे इसको ये नीचे ले गए आप तो ये हो जाएगा (x^-3/2). +3/2 को आप कैसा लिखते हैं -1/(x^-1)√x (x^-1/2) को लिख सकते हैं 3/2 को लिखा आपने 1+1/2 तो (x^(1)√(x^(1/2) (x^(1/2)√x तो देखा आपने कि dy/dx 1/√x का 2√x नहीं है जैसे √x का 1/2√x है तो 1/√x का 2√x नहीं है तो ये ध्यान रखें फोर्थ डेरिवेटिव है जैसे कि y/x इसको भी आप निकाल लें फिर फॉर्मूले जैसा दिमाग में बिठा लेना dy/dx अब डायरेक्ट लिख दो dy/dx ठीक है ddx ऑफ x (x^(1) है तो लगा दें रूल 1x^(1-1) यानी 1x^0 (x^0 इज 1 तो 1 × 1 इज व्हाट 1 तो ये आ गया आपके पास तो ये भी एक फॉर्मूला आपके खाते में लग गया इसका भी भयंकर यूज है ddx ऑफ x x का डेरिवेटिव आपने देख लिया यहाँ पे बनाया देखो ना ddx ऑफ x x का डेरिवेटिव कितना है आपने 1 तो इसको फॉर्मूले जैसे ही ध्यान रख ले अब अगर y = आपके पास है 1/(x^m) तो ऊपर उठा लें इसको (x^-m) कर लेंगे और ऐसे करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx और इधर भी ddx लगा देंगे (x^-m) में और यहाँ फार्मूला लगा देंगे यही वाला फार्मूला कौन सा nxn-1 तो ये हो जाएगा -m(x^-m-1) जब पावर नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी तो ये हो जाएगा m+1 इसको भी आप अपने रिकॉर्ड में फार्मूले की तरह चढ़ा सकते हैं तो ये देखें आपने इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ddx ऑफ (x^-n) का क्या होता है और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा सिक्स्थ आपके पास अगर ऐसा लिखा होगा y = 7x^4 तो क्या करेंगे तो आप करेंगे ddx ऑफ y = ddx ऑफ (7x^4) फिर क्या करेंगे तो फिर 7 को बाहर ले लो क्यों बाहर ले लिया ये देखिए आप ये वाली प्रॉपर्टी देखिए इसमें k बाहर आ जाता है ना तो 7 बाहर आ गया और ddx किसका हो गया (x^4) का हो गया (x^4) का क्या होता है 4x^-1 तो 7×4=28 x³ ये इसका आंसर हो गया है ना अब देखिए दूसरी चीज देखें अपन सेवेंथ y = मान लीजिए आपके पास लिखा है (ax²)(bx+c)√x तो ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर ऊपर कर दिया नीचे का नीचे नीचे कर दिया नहीं आपको क्या करना पड़ेगा पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा तो सेपरेट कर देते इधर (ax²)√x √x का मीनिंग (x^(1/2) (bx)(x^(1/2) (c)(x^(1/2) फिर आप ऊपर ले जाओ इसको जो हो जाएगा (ax²)-1/2 पहले कैलकुलेट कर लें फिर करते हैं आराम से इसको ये ले गए ऊपर अब इसको पहले कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा (ax²)-3/2 (2×2)=4-1)(3/2) है ना ये तो क्लियर है आपको ये हो गया 1/2 ये हो गया (x^-1/2) ठीक है ना अब ये y आ गया अब आप dy/dx कर दें तो ये dy/dx हो जाएगा आपका ddx ऑफ (ax²)-3/2
प्लस बी एक्स टू द पावर 1/2 सी एक्स टू द पावर -1/2। फिर क्या करेंगे आप, सबका डी डी एक्स अलग अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला रूल तो यही कहता है कि सबका डी डी एक्स क्या करेंगे आप, अलग अलग कर लेंगे। तो ये भी मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। अब इसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरे को इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्टूडेंट्स को ही डेडिकेटेड है, आप अपने प्रॉब्लम सजेशंस कमेंट्स सब, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दें। स्टूडेंट्स मुझे करते रहते हैं इस पे व्हाट्सअप और मैं उनके जवाब देते रहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और इसी तरह से हम मेरे और स्टूडेंट्स के एक जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो बन जाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो मेरी यही कोशिश रहेगी आपसे दोस्तों कि आप लोग अपने अपने क्लास में अपनी अपनी एग्ज़ाम्स में बेस्ट दें, और जो कि आप दे भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत चमत्कारिक काम नहीं है कि ये कोई हेलीकॉप्टर बनाने जैसा काम है या कोई ऐसा मतलब मिरेकुलस वर्क करना है। नॉर्मल रूटीन में ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहें, एक बार इंटीमेसी हो जाएगी, हम लोग आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। फिर एक दूसरे से जब आप डिस्कशन करते रहेंगे तो आपको ये वीडियोस देखना भी अच्छा लगेगा, और जब आपको वीडियोस देखना अच्छा लगेगा तो घर बैठे ही आपकी ढेर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जो नहीं हो पाएंगी तो आप मुझे ज़रूर से इस पर व्हाट्सअप करें, इवन यू कैन फोन एट दिस नंबर, आई विल एंटरटेन यू। तो डी डी एक्स ऑफ दिस, तो डी डी एक्स पहले सबका सेपरेट हो गया, ए एक्स टू द पावर 3/2 डी डी एक्स ऑफ बी एक्स टू द पावर 1/2 प्लस डी डी एक्स ऑफ सी एक्स टू द पावर -1/2 ये कर दिया। अब इसमें ए बाहर निकाल लें आप और इसका डिफरेंशिएशन कर दें। क्यों बाहर निकाल लें, क्यों, यहां लिखा है ना कॉन्स्टेंट कैन कम आउटसाइड, तो कॉन्स्टेंट आएगा बाहर, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 -1 प्लस बी, ये 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1 प्लस सी -1/2 एक्स टू द पावर -1/2 -1। तो अब बस कुछ भी नहीं बचा, अब तो डिफरेंशिएशन भी हो गया है और डीवाई बाई डी एक्स भी निकल गया है। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रख देना है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर दें तो ये जाएगा 3a/2 एक्स टू द पावर 1/2 b/2 एक्स टू द पावर -1/2, यहाँ हो जाएगा आपका -c/2 एक्स टू द पावर -3/2। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब कांस्टेंट का कब जीरो होता है वो भी मैं सिखाता हूँ आपको, कांस्टेंट का कब जीरो हो जाता है, एक वो आप समझ नहीं पा कि कांस्टेंट का सर कब जीरो हो जाता है। तो कांस्टेंट का जीरो देखिए कब होता है, जब आपके पास एक बहुत बढ़िया सवाल लेता हूँ मैं आपको, वाई बराबर एक्स टू द पावर 6+1 है अपॉन क्या लिखा है x²+1 है, और आपको प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको 4x³ - 2x। ये मान लीजिए कि प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसको ऐसा लिख देना है, थोड़ा ट्रिकी है, x²³+1³/x²+1। अभी dy/dx नहीं निकाला, आप ये मत सोचो कि ऊपर का अलग निकालेंगे नीचे का अलग निकालेंगे, नहीं। और कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं कोशेंट रूल लगा के करूँगा, तो कोशेंट रूल लगाना तो और जोखिम का काम है इसमें, क्योंकि इतना प्रिसाइज आंसर उससे नहीं मिलेगा, है ना। तो एक्स इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो, x²+1 x²² -x²(1) ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया है ना, डरने की कोई बात नहीं, आप डर भी नहीं रहोगे हैं, x²+1 x²+1 x²+1। अब ये कितना हो गया आपके पास, x⁴ -x²+1 ये आ गया। अब आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर भी डी डी एक्स लगाएंगे और आपको डी डी एक्स उधर भी लगाना पड़ेगा,
अब आप समझो कि कांस्टेंट का अब जीरो होगा। क्यों कांस्टेंट का जीरो होगा? क्योंकि वन एकदम से अलग पड़ा हुआ है, प्लस में माइनस में, तो कांस्टेंट मानेंगे। जब वो किसी के इनटू में होता है, जैसे सेवन एक्स स्क्वायर, तो सेवन कांस्टेंट है पर सेवन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरा कांस्टेंट थोड़ी है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता, सेवन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता, तो फिर सेवन कांस्टेंट रहता, तो फिर सेवन का जीरो हो जाता, एक्स स्क्वायर का होता। अभी इसमें क्या होगा, सेवन बाहर आ जाएगा ऐसे करके। तो इसमें देखें तो ये जो बेसिक डेरिवेटिव्स है, इसको भी हमको कम से कम दो पार्ट में बनाना पड़ेगा, पार्ट वन में और फिर पार्ट टू में। तो देखते हैं अभी, तो यहाँ पर x टू द पावर फोर में ये फॉर्मूला लगा दें आप एन एक्स एन माइनस वन का, तो यह जाएगा फोर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स टू माइनस वन और प्लस वन का जीरो, प्लस वन का डेरिवेटिव, प्लस वन का दोस्तों जीरो। प्लस वन का क्यों जीरो? क्योंकि प्लस वन इज वॉट, प्लस वन इज अ कॉन्स्टेंट। तो प्लस वन बींग अ कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव कितना आ गया? जीरो आ गया। अब थोड़े से हम कुछ अलग टाइप के भी देखें, है ना, एक्स एक्स वाले बहुत देख लिए, अब कुछ अलग वाले भी देख लेते हैं। तो नाइन्थ से आ जाते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। वाई इज इक्वल टू, अगर आपके पास है ए साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तो अब आप तो होशियार हो गए हो, डी बाय डी एक्स इधर लगा दो, डी बाय डी एक्स उधर लगा दो, फिर टाइम हो तो सबका अलग अलग कर दो, फिर डी बाई डी एक्स, या फिर फॉर्मूला लगा दो। तो ए बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका हो जाएगा? साइन एक्स का हो जाएगा। बी बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स किसका हो जाएगा? कॉस एक्स का। प्लस सी बाहर आ जाए, सी अब बाहर आएगा तो बचेगा कौन? तो फिर डी डी एक्स सी का लिखना पड़ेगा, और यही जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। और इसमें कैसे हुआ, ए बाहर आ गया, ए बाहर आ गया तो देखो क्या होता है, देखते हैं जरा। ए साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, बी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ लिख दिया, और उसका जीरो है ही, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया आपका? ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो थोड़ा कभी घुमा के दे दे क्वेश्चन आपको, चलो तो घुमाने से पहले थोड़ा सा सिंपल भी देते हैं आपको। आपको दे दिया टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस वन अपॉन कॉस एक्स, तब क्या करोगे? तो पहले सेपरेट करना, इसको सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो टू टेन एक्स, ऐसे ही कॉस एक्स इसके अपॉन में आएगा तो हो जाएगा प्लस थ्री, ऐसे ही वन अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, ये वन अपॉन कॉस एक्स एक एक्स बन जाएगा। अब इधर भी डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स, अब उधर भी कर दो टू टेन एक्स का, देखो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन रिजल्ट, टू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, थ्री का जीरो, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, है ना। अब ये जीरो हटा देंगे अगले स्टेप में और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखा आपने, तो वो जो मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन की बात कर रहा था स्पेशल, वो क्या है जरा वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 11th, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन वही है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, पर अब आप देखो ना इसमें तो आपको दिक्कत आएगी, तो फिर क्या करेंगे अपन, पहले इसको ओपन कर लो, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये वाई आ गया। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है ना, तो ये वन हो गया, और ये वाला टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है ना, तो टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू वन हो, वो साइन एक्स हो गया। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, एक झटके का काम है, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, वन का जीरो और साइन एक्स का क्या हो जाएगा,
साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 0 प्लस कॉस एक्स, तो ये आपका मेरे बच्चों आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? कॉस एक्स आ गया। तो ये अपने देखा कि इस तरह से इनको कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद ट्राई करना पड़ेंगे। y इज इक्वल टू 3 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका एक तो डिफरेंशिएशन करना है। मैं आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अरे अरे सर आंसर क्या है, आंसर क्या है। तो मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, इसका माइनस 3 कोसेक एक्स कॉट एक्स है, आप सिस्टमेटिकली करना ना, और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है। और दूसरा क्वेश्चन है 13th है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 2 टेन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स। बहुत शानदार सवाल है, आप करना इसको, आपको अच्छा लगेगा। जब आपका आंसर आएगा तो यू विल फील हैप्पी। तो आपको डीवाई बाई डी एक्स मैं बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर को फोन लगाओ पूछो क्या करें। तो डीवाई बाई डी एक्स आपका रहेगा सेक एक्स, ब्रैकेट में आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये आपको प्रूव करना है मेरे बच्चों, ये इसका है और ये इसका है डीवाई बाई डी एक्स। तो मैंने दोनों लिख दिया और दोनों आई होप यू विल ट्राई। तो दोनों ही आप ट्राई करोगे और इसको सोचते हुए अब कुछ आगे की स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, जिसमें ई एक्स हो, 2 to the power x हो, ए टू द पावर एक्स हो, इस तरह से। तो 14th है, जैसे y बराबर आपको लिख देंगे 2 to the power x, तो क्या कर दोगे? तो डरने का नहीं, डी बाई डी एक्स वाई का करो, डी डी एक्स करो 2 to the power x का। तो इसमें दो फॉर्मूले, e टू द पावर x, तो क्या e कैन e बी 2? नो, e फिक्स है, e का अप्रॉक्स वैल्यू 2.7 समथिंग वैल्यू होता है, ये फिक्स है, e इज e, e की जगह कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती। हाँ, a की जगह 2 आ सकता है, तो ये जाएगा 2 to the power x log 2। बेस भी लिख सकते हो e, नहीं भी लिखोगे तो भी टीचर माइंड नहीं करेंगे। अगर आपके पास होगा ऐसा ही तो आप ये वाला करना, आंसर भी मैं नहीं लिखता, आप कर लोगे, आई होप, मुझे पक्का यकीन है। अगर आपके पास ऐसा होगा तो फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एक्स होल स्क्वायर ट्वाइस ए एक्स बी एक्स ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स। फिर सेपरेट करना है ना, सेपरेट करेंगे फिर कर देते हैं। कितना सरल है, सब कुछ आसान, सब कुछ मेरे बच्चों बहुत आसान। तो ये इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। बिल्कुल आखिरी तक वीडियो देखें, आप देखना आपको बहुत कुछ सब्जेक्ट में हासिल होगा। जल्दबाजी ना करेंगे, आप आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो यू विल फील हैप्पी, और आपको ऐसा लगेगा कि सम आउटपुट इज देयर, आपको कुछ मिल भी गया। अब इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, a अपॉन b होल टू द पावर x, b अपॉन a होल टू द पावर x, और ये पूरा ही कैंसिल हो गया, तो ये 2 बचेगा। तो ये y है, अब मुझे तो निकालना है dy बाई डी एक्स, तो दोनों साइड मैंने dy dx लगा दिया, अब इधर भी डी डी एक्स लगा दिया पूरे में, a बाई बी पावर x, फिर dy dx इसका भी हो जाएगा, dy dx किसका, b बाई a पावर x, और फिर डी डी एक्स किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2 का। तो अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला अब आपको मालूम है, कौन सा फार्मूला लगेगा आपको, ये वाला फार्मूला लगेगा a टू द पावर x का, पर a की जगह कौन आ चुका है, a की जगह कौन आ गया, a बाई बी आ गया, तो कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान सा काम, बिल्कुल आसान सा काम है मेरे बच्चों, बिल्कुल आसान सा। तो इसको आप ऐसा लिखना, a बाई बी टू द पावर x, फार्मूला देख लो आप, फार्मूला इसीलिए मैंने रब नहीं किया कि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। b बाय प्लस 0 प्लस 2 का 0, यही आपका आंसर है।
और इसी के साथ इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो एक मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ कि वो क्वेश्चन आप करिएगा। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स, ये भी ए टू द पावर एक्स है बोलने में ऐसा बोल गया हमें, आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना है और इसका डिफरेंशिएशन मुझको बताना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि वो भी बच्चे जो पीछे हैं या जो नहीं कर पाए, या वो बच्चे जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं उनको भी ये सुविधाएं मिलें, वो भी आगे बढ़ें, और कुल मिला के आपका देश आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़ें, जो बच्चे रूरल एरिया में हैं, जो ट्राइबल एरिया में हैं, जिनके पास इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इस तरह की प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं, उनकी भी आप मदद कर सकें। जस्ट एक क्लिक से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। मैं आपका टीचर डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स ओनली, तो आई कैन हेल्प यू अलॉट इन ऑल एस्पेक्ट। आप कोई भी बात किसी भी संबंध में सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझसे पूछें, मैं आपके साथ हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ गुड लक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।